हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी द्विवेदी। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्यों लग्न और लग्नेश का मजबूत होना ज़रूरी है। आज हम आपको लग्न से बनने वाले राजयोगों के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में जो हमारी जन्म कुंडली का नवम भाव होता है, उससे हमारे भाग्य को देखते हैं। मीन्स अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में ही विराजमान है तो ये आपके लिए भाग्य की बात है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही विराजमान है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। जी हाँ, ये आपका सौभाग्य है कि आपका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही है। अब हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में कैसे फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठकर और किन किन राजयोगों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जब भी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा के लग्नों को छोड़कर बाकी के लॉर्ड अपने फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाते हैं, लग्न में ही, तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। और इन पंच महापुरुष योग को बनाने वाले ग्रह भी पांच हैं। उन पांच ग्रहों का नाम है मंगल, बुध, गुरुदेव बृहस्पति, शुक्र और न्यायाधीश शनिदेव। जी हाँ, अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरुदेव बृहस्पति से, जिनकी दृष्टि मात्र में ही अमृत है। तो गुरुदेव बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। जब भी धनु और मीन लग्न में गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में बैठ जाते हैं तो वो हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब बात कर लेते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। शुक्र की भी दो राशियां हैं, वृषभ और तुला। तो जब भी वृषभ और तुला लग्न में शुक्र कुंडली के पहले भाव में बैठ जाते हैं तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब बारी आती है ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध देव की। जी हाँ, इनकी भी दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो जब भी मिथुन और कन्या लग्न में बुध देव कुंडली के प्रथम भाव में ही आकर बैठ जाते हैं तो ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब बारी आती है न्यायाधीश शनिदेव की। जी हाँ, इनकी भी दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ लग्न में जब भी शनिदेव कुंडली के प्रथम भाव में आकर बैठ जाएं तो मान लीजिए कि शश नामक पंच महापुरुष योग का आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल की। मंगल की भी दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो जब भी मेष और वृश्चिक लग्न में मंगल आकर कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठ जाते हैं तो ये रूचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। और हम आपको बता दें कि ये पंच महापुरुष योग ज्योतिष शास्त्र के सभी महान राजयोगों में से एक है। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर लग्न और लग्नेश मजबूत है तो आपकी कुंडली में कितने भी दुर्योग हैं तो भी आप उन सब से लड़ने में सक्षम होंगे। और जब ये महान राजयोग बन जाए तो फिर तो कहने ही क्या। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।